आप मेरी त्रुटियों की ओर ध्यान न देते हुए मेरे विचारों को ध्यान पूर्वक सुनेंगे और मुझे प्रोत्साहित करेंगे। मैं अपने विचारों की शुरुआत अपनी एक कविता की कुछ पंक्तियों से करना चाहूंगी। रावी हूँ मैं, रावी हूँ मैं, चंबा की शान हूँ मैं, चंबा की शान हूँ। इठलाता सा बखलाता सा, झूम झूम कर लहराता सा, बहता मेरा पानी है और कहता ये कई कहानी है और कहता ये कई कहानी है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश में बहने वाली प्रसिद्ध नदियों में से एक है। रावी नदी मुख्यतः चंबा जिला के भरमौर, सरोल, होली जैसे क्षेत्रों में बहकर पंजाब तक बहती है। रावी नदी का उद्गम स्थान कांगड़ा जिला का बड़ा बंगाल है, जो एक धौलाधार पर्वत श्रृंखला है। रावी नदी की कुल लंबाई 720 किलोमीटर तथा हिमाचल प्रदेश में इसकी लंबाई 158 किलोमीटर है। रावी नदी को धार्मिक रूपों से भी जोड़ा गया है। रावी नदी का सांस्कृतिक नाम इरावती तथा वैदिक नाम परोशनी है। रावी नदी में एक मान्यता के अनुसार भोलेनाथ के चरणों का पानी आकर मिलता है, जो इसे और भी पवित्र बनाता है। कई लोग रावी नदी पर स्नान कर अपने आप को धन्य मानते हैं। रावी नदी का चंबा का मिंजर मेला, जो एक अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला है, उसकी मिंजर को विसर्जित किया जाता है। रावी नदी पर अनेक गायकों ने रावी नदी पर गीत बनाए हैं, जो बहुत प्रसिद्ध है। मैं आपको एक भाषण की शुरुआत में भी सुना चुकी हूँ और चंबा आर की नदियाँ पार लोकगीत भी बहुत प्रसिद्ध है। रावी नदी में अनेक बांध बनाए गए हैं, जो हमें विद्युत की सुविधा दे रहे हैं। वह कई लोगों को श्रम भी प्रदान कर रहे हैं। परियोजनाएं लोगों के लिए तो वरदान है, पर इसके पीछे नदी नाले सूख रहे हैं, जिससे हमारी रावी नदी का हनन हो रहा है। रावी नदी में बांध बनाए गए हैं, सभी को श्रम प्रदान कर रहे हैं, परंतु कुछ लोग अवैध खनन करते हैं। हमारा विभाग उन्हें बहुत समझाता है, पर वो नहीं मानते, चले जाते हैं, कूड़ा कचरा फेंक देते हैं। हमें कूड़ा कचरा फेंकना चाहिए ना? नहीं फेंकना चाहिए, सभी ही कहेंगे नहीं फेंकना चाहिए। रावी नदी में अनेक बांध बनाए गए हैं, पर उन बांध के बनने से हमारी रावी नदी सिकुड़ती जा रही है। हमें अवैध खनन नहीं करना चाहिए, है ना, नहीं करना चाहिए। एक मान्यता के अनुसार रावी नदी एक पवित्र नदी है, उसमें हम सभी पवित्र कार्य करते हैं। तो अब अंत में आपका ज़्यादा समय न लेते हुए बस इतना ही कहना चाहूँगी कि बाधाओं से लड़कर मुश्किलों को हराकर आगे बढ़ते जाने का सबक दे जाती है नदियाँ। धन्यवाद।